welcome you all in our channel dr agriculturist i am devendra chaudhary in this video we are going to discuss about gamosis of citrus citrus canker the disease will be discussed on the following topics like causal organism symptom etiology disease cycle favorable condition and management सिट्रस गमोसिस इज कॉज्ड बाई अ फंगस फाइटोप्थोरा निकोसियानी वेराइटी पैरासिटिका आर फाइटोप्थोरा पाल्मीवोरा आर फाइटोपथोरा सिट्रोप्थोरा सो ये जो डिजीज है वो इन तीनों पैथोजन में से किसी एक से होता है सिम्टम डिजीज स्टार्ट एज वाटर सोक्ड लार्ज पैचे ऑन द बेसल पोर्सन ऑफ द स्टेम नियर द ग्राउंड लेवल सो जैसे ये सॉइल का लेवल है यहाँ पर ये इसका स्टेम है तो सॉइल के नियर में ये सिम्टम दिखाई देते हैं बार्क इन सच एरियाज ड्राइज श्रिंक्स एंड क्रैक्स। इन्फेक्टेड पोर्सन स्रेड्स इन लेंथ वाइज वर्टिकल स्ट्रिप्स लेटर प्रोफ्यूज एक्सुडेशन ऑफ गम फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्रंक अफेक्टेड कॉलर रीजन इज गर्डल एंड फाइनली द इन्फेक्टेड ट्रीज डाइज सो इसके जो सिम्टम होते हैं वो सॉइल के नियर में जो स्टेम होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और पहले वाटर सोक्ड स्पॉट्स बनते हैं ये वाटर सोक्ड क्या होते हैं जैसे कोई पत्ती होती है और ये जो ग्रीन पत्ती है उसे हम अपनी उंगलियों से अगर जोर से दबाते हैं तो वहां पर का जो रीज़न होता है वो थोड़ा वाटरी हो जाता है वैसी टाइप का जो सिम्टम है वो यहाँ पर दिखाई देता है बाद में इसका साइज बढ़ता है और यहाँ का जो बार्क है यहाँ का जो छिलका है उसमें क्रैकिंग हो जाती है और ये जो क्रैकिंग होती है वो लेंथवाइज में ऐसे वर्टिकल होती है जो क्रैकिंग है वो ऐसे नहीं होगी वो इस प्रकार से वाइज वर्टिकल होती है फिर बाद में यहाँ से गम का सिक्रीसन होता है गम मतलब वो खुशी दुख वाला गम नहीं है गम मतलब है गोंद सो यहाँ पर गम का सिक्रीसन होता है और ये जो पैथोजन है वो पूरी तरीके से पूरे स्टेम को गडल कर लेता है जिसके कारण से पूरे का पूरा प्लांट मर जाता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्री का कुछ पोर्शन ही मर जाता है और कुछ पोर्शन हेल्दी रहता है So, ये हो गया इसका सिम्टम आगे बढ़ते हैं ये जैसे फ्रूट में रोटिंग हुई है और इसमें व्हाइट कलर का जो माइसिलियम है वो भी दिखाई दे रहा है ये आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा प्लांट मरने लग गया है अब आते हैं इटियोलॉजी में जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है इसीलिए इसका जो माइसिलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाईलाइन होता है ये है सेप्टेट हाइपी और ये है नॉन-सेप्टेट या फिर सीनोसिटिक हाइफी इसमें आप देखिए इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई यहां पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है लेकिन पर दो न्यूक्लियस पहला दूसरा ये जो दो न्यूक्लियस हैं, वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं स्पोरजियो फोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप जो है, जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है दे आर अनब्रांड बियर सिंगल सेल्ड हाई लाइन राउंड और ओवल स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है सिंगल सेल्ड हाई लाइन और ओवल या राउंड होता है और एक में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूसपोर्स बनाता है ये यहां पर ये स्पोरेंजिया है स्पोरेंजियो फोर है यहां से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस पोर्स बाहर आते हैं एक स्पोरेंजिया में तीस से लेके पचास जूस पोर्स होते हैं फिर ये जो एक एक जूस फोर्स है ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे द फंगल ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स एंड क्लेमाडो सो ऊस स्पोर्स इज अ सेक्सुअल स्पोर्स और क्लेमाडोस्फोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा सर्वाइवल के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाडोस्फोर बनता है डिजीज साइकिल सो डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन और सर्वाइवल सो so, जो पैथोजन का पार्ट सर्वाइव होते रहता है वही प्राइमरी इन्फेक्शन करता है प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद नए नए स्पोर्स बनते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं जन सर्वाइव इन क्रॉप डेवरीज इनफेक्टेड पार्ट ऑफ द्लांट एज ऊस एंड क्लेमा या क्लेमा के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है फिर जब कोई नया पौधा लगाया जाता है तो वहां पर ऊस पोर से जूस पोर्स बाहर आते हैं या फिर क्लेमाडोस्पोर से जूस पोर्स बाहर आते हैं और वो स्टेम में इन्फेक्शन करते हैं ये पैथोजन के द्वारा या लेंटिसल के द्वारा पौधे के अंदर एंट्री करते हैं वहाँ पर यह मल्टीप्लाई होते हैं जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते हैं हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर ये स्पोरेंजिया बनाते हैं स्पोरेंजिया के अंदर में बहुत सारे जूस पोर्स बनते हैं और ये जूस पोर्स दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं ये जो जूस पोर्स होते हैं वो विंड्स रेन या वाटर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाते हैं बाद में ये ऊस पोर्स भी बनाते हैं क्लेमाडोस्पोर बनाते हैं और फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ये सर्वाइव करते रहते हैं सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना क्रॉप के एब्सेंस में ये क्लेमाडोस्पोर या ऊसपोर्स के फॉर्म में जीवित रहते हैं फेवरेबल कंडीशन ऐसा कंडीशन जिसमें डिजीज ज़्यादा मात्रा में आती है जैसे कि मॉइस्ट एंड कूल कंडीशन अगर हम ज़्यादा मात्रा में इरीगेशन देंगे या फिर पानी गिर रहा है उस कंडीशन में डिजीज ज़्यादा आएगी प्रो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ट्रंक विथ वाटर अगर हम ज़्यादा मात्रा में इरीगेशन करेंगे तो ऐसे समय में जो स्टेम है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा देर तक रहेगा सो so, ऐसे कंडीशन में डिजीज ज़्यादा आती है लॉगिंग अगर हम इरीगेशन कर रहे हैं ऑर्चर्ड में और पानी का ड्रेनेज अच्छा नहीं है पानी का जो निकासी सिस्टम है वो अच्छा नहीं है उस कंडीशन में भी डिजीज ज्यादा आती है इंसिडेंस इज मोर इन ब्लैक सॉइल जो हमारा ऑर्चर्ड है वो ब्लैक सॉइल में है तो भी डिजीज़ ज़्यादा आएगी हाई वाटर टेबल लीड टू द हाई इंसिडेंस अगर वाटर टेबल ज़्यादा है मतलब वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ज़्यादा है उस कंडीशन में भी डिजीज ज़्यादा आती है डिजीज इज सीवियर इन हाई रेन एरिया सो इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि हाई सॉइल मॉइस्चर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर 22, टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फ्रिक्वेंट रेन फ्लड इरीगेशन और ब्लैक सॉइल इन सब में ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादा मात्रा में आती है अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए जैसे कि सैनिटेशन ऑफ द ऑर्चर्ड हमारे ऑर्चर्ड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए जो पुराने या फिर इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उन्हें हटा देना चाहिए प्रून अनप्रोडक्टिव ड्राई एंड डिजीज और इंसेक्ट इन्फेक्टेड ब्रांच जो भी ट्री के ब्रांचेस हैं जो फल नहीं देते हैं या फिर जिसमें डिजीज लगी है या इंसेक्ट आया हुआ है ऐसे पोर्शन को काट के अलग कर देना चाहिए यूज़ बोडो पेस्ट आफ्टर प्रोनिंग जैसे कि ये नॉर्मल स्टेम है अभी यहाँ पर हम प्रोनिंग कर देते हैं यहाँ से कट कर देते हैं तो यहाँ पर वन्स बन जाते हैं तो ऐसे जगह में हमें बोडो पेस्ट को लगाना चाहिए स्प्रे बोडो मिक्सर वन परसेंट प्रोनिंग के बाद या फिर रेन आने से पहले हमें बोडो मिक्सचर का एक परसेंट कर देना चाहिए मॉनिटर द ऑर्चर्ड रेगुलरली हमें लगातार सर्वे करते रहना चाहिए देखते रहना चाहिए कि कहीं से डिजीज़ स्टार्ट तो नहीं हो रही है अगर डिजीज़ स्टार्ट हो रही है अगर हमें पता चल रहा है तो हमें बोडो पेस्ट या फिर बोडो मिक्सचर का स्प्रे करना चाहिए सॉइल ड्रेंचिंग विथ जीरो पॉइंट टू परसेंट मेटल एक्जिल जैसे कि हमें पता चल गया कि ये जो प्लांट है वो इन्फेक्टेड है तो हमें जीरो पॉइंट टू परसेंट मेटल एक्जिल का सोलूशन बनाना चाहिए और यहाँ पर डाल देना चाहिए अप्लाई ट्राइकोडर्मा विरिडी ऑन नीम केक हमें ट्राइकोडरमा विरिडी को नीम केक में डाल के अप्लाई करना चाहिए फॉलोइंग डबल रिंग मेथड फॉर द इरीगेशन हमें डबल रिंग मेथड से इरीगेशन करना चाहिए जैसे कि ये यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर दो रिंग बनाएंगे तो ये जो वाटर है उसको सेकेंड रिंग में देना चाहिए यहाँ पर नहीं देना चाहिए अवॉइड इंजरी टू क्राउन रूट्स आर बेस ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग इंटरकल्चर ऑपरेशन जैसे कि कोई इंटरकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे वीडिंग वगैरह तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। यूज रजिस्टेंट सोर ऑरेंज आर ट्राइफोलियट ऑरेंज एज अ रूट स्टॉक फॉर द प्रोपोगेशन ग्राफ्टिंग मेथड से अगर हम प्रोपोगेशन करते हैं तो हमें दो पार्ट की जरूरत पड़ती है पहला पार्ट जो होता है उसे रूट स्टॉक कहते हैं और जो पौधे के लिए रूट बनाता है दूसरा पार्ट जो होता है उसे सियान कहते हैं और ये फल देता है तो हमें रजिस्टेंट रूट स्टॉक लेना चाहिए जैसे कि सोर ऑरेंज और ट्राइफोलियट ऑरेंज सिट्रस कैंकर दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज ये बैक्टीरिया के कारण होता है सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर सिट्री ये पैथोवर का मीनिंग क्या है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज टू कॉज इन्फेक्शन इन अ स्पेसिफिक क्रॉप जैसे जेंथोमोनास कंपेस्टिस एक बैक्टीरिया है इसी में कुछ पॉपुलेशन सिट्रस में डिजीज कर सकते हैं जिन्हें कहा जाता है पैथोवर सिट्री कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कैबेज में डिजीज करता है ब्लैक रॉट उसका पैथोवर है कंपेस्ट्रिस मतलब जेंथोमोनास कंपेस्ट्रैथोवर ये करता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर और जेंथोमोनास कम्पेस्ट्रिस पैथोवर सिट्री ये करता है सिट्रस कैंकर और इन दोनों बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी में और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों सेम होते हैं बस एक ही अंतर है कि यह सिट्रस में डिजीज करता है और ये क्रूसी में डिजीज करता है कमिंग टू सिम्टम सिम्टम अपीयर्स ऑन लिप्स स्टेम एंड फ्रूट एसिड लाइम लेमन एंड ग्रेप फ्रूट आर कॉमनली अफेक्टेड स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन आर रेयरली इंफेक्टेड सो ये जो डिजीज है वो रूट के अलावा पूरे एरियल पार्ट्स में आती है और एसिड लाइम लेमन और ग्रेप फ्रूट में इन्फेक्शन ज्यादा मात्रा में होता है और स्वीट ऑरेंज और में कम मात्रा में इन्फेक्शन होता है अब देखते हैं इसका जो सिम्टम है वो लिप्स में कैसे दिखाई देता है इनिशियली वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपियर विच स्लोली टर्न ब्राउन एंड प्रोड्यूस कॉर्की रेज स्पॉट्स, फॉलोड बाई डेवलपमेंट ऑफ येलो हेलो सो पहले ये वाटर सोक्ड स्पॉट्स आते हैं इन्हें हिंदी में जल में धब्बे कहते हैं बाद में इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है इसका जो सरफेस है वो उभरा हुआ हो जाता है बाद में ये जो उभरा हुआ सरफेस है उसमें क्रैकिंग हो जाती है फटने लग जाता है ये और इस स्पॉट्स के चारों ओर येलो हेलो प्रेजेंट होता है और जब बहुत ज्यादा मात्रा में इंफेक्शन हो जाता है जैसे ये लीफ है इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आते हैं तो डिफोलिएशन हो जाता है जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं सिम्टम्स इन स्टेम्स स्टेम में भी सेम टाइप के सिम्टम आते हैं लेकिन इसमें येलो हेलो एबसेंट होता है इसमें स्पोर्ट्स के किनारे वाला एरिया पीला नहीं पड़ता है बाद में इसमें क्रैकिंग हो जाती है और इस क्रैकिंग से बैक्टीरिया बाहर आते हैं कब वार्म एंड रेनी सीजन में जब बरसात का मौसम आता है और तापमान बढ़ता है उस समय इनके क्रैकिंग से बैक्टीरिया के सेल बाहर आते हैं फाइनली स्टेम गर्डल एंड डाई बाद में जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट्स है वो पूरे स्टेम को घेर लेता है और इसका जो अपर पोर्शन है इसके ऊपर जो लिप्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं सिम्टम्स इन फ्रूट्स फ्रूट्स में भी सेम टाइप के सिम्टम आते हैं इसमें भी येलो हेलो एब्सेंट होता है लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो बार्क में ही प्रेजेंट होता है जो ऊपर का छिलका है उसी में ही प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ मूव नहीं करते हैं ऐसे स्पॉट्स फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और इसका जो मार्केट क्वालिटी है मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाता है अगर ये सिम्टम बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं तो फ्रूट्स छोटा रह जाता है और समय से पहले गिर जाता है तो ये था सिम्टम आगे देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया ये कहा बिलोंग करता है बैक्टीरिया किंगडम में इसका ग्राम स्टैंड क्या है नेगेटिव सेल सेप होता है रॉड सेप का इसका सेल सेप, सेप का होता है और इसमें एक ही फ्लेजिला प्रेजेंट होता है जिसे मोनोट्राइकस फ्लेजिला कहते हैं इसमें रेस्पिरेशन एरोबिक होता है मतलब इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कॉलोनी एक्स्ट्रा कलर की या येलो कलर की होती है और डिफ्यूज होती है ये है बैक्टीरिया का सेल जो कि रॉड सेप्ड है और इसमें एक फ्लेजिला प्रेजेंट है मोनोट्राइकस फ्लेजिला ये है इसकी कॉलोनी जो कि येलो कलर की है और ये डिफ्यूज है कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये इंटेक्ट नहीं है ये थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसके कारण से इसकी कॉलोनी डिफ्यूज रहती है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं सर्वाइवल प्राइमरी इंफेक्शन और सेकेंडरी इंफेक्शन या सेकेंडरी स्प्रेड सो सर्वाइवल पैथोजन सर्वाइव इन इन्फेक्टेड लिप्स फॉर सिक्स मंथ जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड लिप में सर्वाइव करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन जो पैथोजन डिजीज स्टेम में या लिप्स में सर्वाइव कर रहा है वो एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करता है और जो कि पहला डिजीज करता है द बैक्टीरियम इंटर्स द होस्ट थ्रू स्टोमेटा लेंटिसल आर वोन्स बैक्टीरिया स्टोमेटा के द्वारा जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा लेंटिसल के द्वारा ऐसे पोर्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेंटिसल कहते हैं और वोन्स के द्वारा इसमें एक इंसेक्ट आता है लीफ माइनर यह है लीफ माइनर का सिम्टम इसमें क्या होता है एक लारवी लीफ के अंदर में चली जाती है और अंदर के सेल्स को खाते रहती है तो अगर लीफ माइनर का इंफेक्शन हुआ है तो सिट्रस के अंकर का भी इंफेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है क्योंकि जो इंसेक्ट है वो सेल को डैमेज करता है और उन्हीं डैमेज सेल में बैक्टीरिया एंटर करता है सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू विंड रेन एंड इंसेक्ट जैसे जन सर्वाइव कर रहा है प्लांट में होस्ट प्लांट में ठीक है क्योंकि ये एक बहुवर्षीय प्लांट है पेरिनियल प्लांट है इसीलिए इसके डिजीज प्लांट में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर रहा है या तो लीफ में या स्टेम में फिर क्या होगा जो फार्मर है वो ऐसे इन्फेक्टेड होस्ट से स्टेम कटिंग लेते हैं कलम लेते हैं और उसको नए एरिया में ले जाते हैं वहां पर इसको लगाएंगे फिर वहां पर ये जो बैक्टीरिया है वो दूसरे लिप्स में या दूसरे प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा या लेंटी के द्वारा या वुंड्स के द्वारा पौधे में इंटर करता है वहां पर रिप्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लाई होता है एक बात हमेशा ध्यान रखना है जैसे ये सेल है और इन सेल के बीच में एक स्पेस बना हुआ है ये स्पेस इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या पेरी स्पेस ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई होते हैं बाद में सिम्टम डेवलप होता है जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्टेड पार्ट से बाहर आते हैं कब बरसात के मौसम में फिर ये दूसरे प्लांट में फिर से इंफेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल या तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फेक्टेड प्लांट में ये सर्वाइव करते रहते हैं आगे बढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ on ऑन द होस्ट सरफेस ससेप्टेबल वेराइटी और इन्फेस्टेशन ऑफ miner माइनर लार्वी ये जो लिप माइनर का इंफेक्शन है इसके कारण से डिजीज की सीवियरिटी बढ़ जाती है अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस किसी भी डिजीज के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए इसमें पहला है कल्चरल मैनेजमेंट इंफेक्टेड लिप्स स्टेम फ्रूट सुड बी रिमूव एंड बर्न ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक सिट्रोन एंड कॉलमोन्डीन इन्फेक्टेड ट्विक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून जैसे ये ऑर्चर्ड में प्लांट्स हैं ठीक है इसके जो पत्तियां हैं वो नीचे भी गिरी होंगी कुछ कुछ में इन्फेक्शन भी हुआ होगा ठीक है तो क्या करना है पहले इस इन्फेक्टेड लीप्स को स्टेम्स को और फ्रूट्स को इस ऑर्चर्ड से बगीचे से बाहर ले जाना है और जला देना है हमें हमेशा डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ही ग्रो करना चाहिए और मानसून के आने से पहले ये जो इन्फेक्टेड प्लांट हैं प्लांट पार्ट हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए क्वारंटाइन मैनेजमेंट जैसे किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और एक डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से या इन्फेक्टेड स्टेट से प्लांटिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और जो भी प्लांटिंग मटेरियल हेल्दी डिस्ट्रिक्ट में या हेल्दी स्टेट में इम्पोर्ट किया जाता है तो वो एकदम हेल्दी होना चाहिए जिससे कि यहां पर जो बीमारी है वो यहां से बाहर ना जा सके और जो हेल्दी एरिया है वहां पर बाहर से बीमारी ना आ सके इसी को कहते हैं क्वारंटाइन मैनेजमेंट फिजिकल मैनेजमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ रूट स्टॉक्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 टू 15 मिनट ये रूट स्टॉक जब कलम करते हैं तो नीचे का जो पोर्शन है जहां से रूट बनते हैं उसे रूट स्टॉक कहते हैं और ऊपर का पोर्शन जो कि अच्छा फल देता है अच्छा इल्ड देता है उसे सियान कहते हैं तो रूट स्टॉक को 50 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर में 10 से 15 मिनट तक रखना है जिसे क्या होगा जो बैक्टीरिया अंदर में प्रेजेंट है वो मर जाता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें बायो कंट्रोल एजेंट सोडोमोनास ऑर्चर्ड में स्प्रे करना चाहिए केमिकल मैनेजमेंट स्प्रे स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 500 टू 1000 थाउजेंड पीपीएम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जीरो पॉइंट टू परसेंट एट फिफ्टीन डेज इंटरवल कंट्रोल लीफ मैनर वेन यंग फ्लस इज प्रोड्यूस्ड ठीक है तो एक केमिकल यूज करना है जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा वो कौन कौन से हैं? स्टेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एक केमिकल स्प्रे करना है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो उन्हें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आती तो वो बोल रहे थे कि सर हिंदी में मटेरियल प्रोवाइड कीजिए तो ये है ही टाइप का जो हिंदी में नोट्स है उसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा तो ऐसे ही हिंदी में नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं आप प्लीज वॉच मोर वीडियो Don't forget to subscribe Dr Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page ketiki jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.